नमस्कार, मैं शाहीन और पेश है आज की ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर थाना कुटार में पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने खालसा फाउंडेशन की तरफ से कंबल वितरण किए। इसके साथ ही जनता की समस्याएं भी सुनी। मकर संक्रांति के दौरान थाने के अंदर सुंदर सुंदर रंगोली भी बनाई गई, साथ ही सभी के लिए खाने का भी इंतजाम किया गया। इतना ही नहीं, कंबल वितरण के साथ साथ कुटार थाना अध्यक्ष जयशंकर सिंह की जमकर सराहना भी की। यूपी के श्रावस्ती में विकास खंड इकोना के अंतर्गत निरंकार कश्यप के मकान को बिना किसी अग्रिम सूचना के प्रशासन के आला अधिकारियों ने ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि निरंकार अपने परिवार के साथ उसी जमीन पर लगभग 35 वर्षों से रह रहे थे। वह किसी तरह मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। निरंकार कश्यप खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं। यूपी के चंदौली में सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से तैयार कोविड शील्ड की 9,360 वैक्सीन पुलिस सुरक्षा में बुधवार की शाम सीएमओ कार्यालय पहुंची, जिसका स्वास्थ्य कर्मियों और अफसरों ने ताली बजाकर स्वागत किया। इस दौरान पहले से तैनात कर्मचारियों ने सीएमओ डॉक्टर आर के मिश्रा की निगरानी में वैक्सीन को फ्रीजर में रखा। वैक्सीन की सुरक्षा में 2 पुलिस कर्मियों की हमेशा वैक्सीन कक्ष के बाहर तैनात रहेगी। सीएमओ ने बताया कि 16 जनवरी को वैक्सीनेशन का काम जनपद में होगा, जिसका शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन हमको वाराणसी के स्टोर से प्राप्त हुई है। 9,360 की संख्या है, 9,360 की संख्या में प्राप्त हुई है। इसकी लॉन्चिंग 16 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। हमारे कुल 9 सेंटरों पर, 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन लगेगी। प्रत्येक प्राथमिक सेंटर पर 100-100 का लक्ष्य रखा गया है। 100-100 जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं, हेल्थ केयर वर्कर, उनको वैक्सीन लगेगी फर्स्ट फेज में। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की गाइडलाइन प्राप्त होते ही इसकी अगली वैक्सीनेशन की कार्रवाई हम लोग प्रारंभ कर देंगे। और जहाँ तक सुरक्षा का दृष्टिकोण है, राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश की पुलिस हमारा साथ दे रही है बिल्कुल पूरी तरह से। वैक्सीन लाने के लिए भी पूरी सुरक्षा प्रदान की गई थी और रख रखाव में भी पूरी सुरक्षा दी जा रही है। इसके अतिरिक्त जब हम वैक्सीनेशन सेंटरों पर इसको वैक्सीन को पहुंचाएंगे, वहां भी पुलिस की व्यापक व्यवस्था रहेगी इसकी सुरक्षा के लिए। यूपी के बाराबंकी में कोटी थाना क्षेत्र के सिमरावत चौराहे पर एक मेंथा व्यापारी की दुकान के शटर का ताला तोड़कर चोर लाखों रुपए का मेंथा ऑयल लेकर चंपत हो गए। मेंथा व्यापारी के यहां से करीब 4 कल्पा मेंथा ऑयल को चोर उठा ले गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार विपिन कुमार गुप्ता निवासी सिमरावत थाना कोठी बाराबंकी का रहने वाला है, जो देव भात भंडार फार्म का मालिक है। पीड़ित मेंथा तेल की दुकान खोलकर मेंथा तेल की खरीद करता था। बीती रात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर करीब 2 क्विंटल यानी कि 4 कल्पा मेंथा ऑयल चोरी कर लिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के रसोइये मुकेश रावत की बाथरूम में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आपको बता दें कि विनोद गुंबर धार्मिक यात्रा पर हरिद्वार गए हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कैलारस थाना क्षेत्र के नगर में एक बुजुर्ग का शव उसके ही घर के चबूतरे पर मृत अवस्था में पड़ा मिला। घटनास्थल की जांच बड़े अधिकारियों द्वारा किया गया। ये पूरा मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर विवेचना के दौरान हत्या में कुल 6 आरोपी पाए गए, जिनमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेआर पर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। 2 आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश के मुरैना में 3 काले कानूनों को वापस लेने के लिए जोरा में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह चिंटू सिकरवार के नेतृत्व में रैली निकाली गई। ये रैली कृषि मंडी जोरा से ट्रैक्टर ट्रॉलियों से निकाली गई, जोरा होते हुए नई तहसील पहुंची। तहसील पहुंचकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जोरा के नेतृत्व में तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया गया। बिहार के समस्तीपुर में केवस निजामत पंचायत में पहली बार पंचायत मुखिया राजीव कुमार राय महिला क्रिकेट का आयोजन किया। इस दौरान लड़कियों में क्रिकेट के प्रति काफी उत्साह देखने को मिला। जिले के ग्रामीण इलाके के वस निजामत में पहली बार हुए इस आयोजन में लड़कियों के व्हाइट 11 और रेड 11 के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें व्हाइट 11 ने पहले बल्लेबाजी कर 12 ओवर में 159 रन बनाकर रेड 11 के समक्ष 160 रन का लक्ष्य रखा, जिसके बाद रेड 11 117 रन पर ऑल आउट हो गई। इस दौरान मुखिया राजीव कुमार राय ने कहा कि इस तरह के खेल आयोजन से बेटियों का मनोबल बढ़ेगा, वो आने वाले समय में अपने गांव का नाम रोशन करेंगी।
बताएंगे कि आज क्रिकेट मैच का आयोजन है, कैसा लग रहा है और क्या कुछ आपने आज किया? सबसे पहले तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्रिकेट खेल के, क्योंकि ये हमारे गांव में सबसे पहली बार हो रहा है और हम लोगों के रिक्वेस्ट की वजह से हमारे जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने समझा बात को और ये कराया। तो सबसे पहले मैं थैंक यू करूंगी उन ऑर्गेनाइजर को जिन्होंने हम लोगों पे भरोसा दिया और लड़कियों पे भरोसा किया, सबसे पहली बात, जो कि गाँव में नहीं होता है। और सबसे पहली बात, यहाँ पे लड़कियों को हमेशा नीचे देखा जाता है कि लड़कियां हो कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां घर के अंदर हो, बड़ी हो गई तो शादी करा दो, बस बेटियां इसके लिए नहीं बनी हुई है। बेटियां चाहे तो कुछ भी कर सकती है, वो चाहे बस उसे पंख उड़ने चाहिए, पंख लगनी चाहिए, जो उसके पेरेंट्स ही दे सकते हैं। बस हमारे पेरेंट्स आजकल समाज में क्या करते हैं, बेटियों को दबा के रखते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग के डर से क्या कर सकते हैं। बट एक बार अगर आप अपनी बच्चियों पे भरोसा करके देखो, वो बच्ची आपका नाम ही रोशन करेंगी। और हमेशा बेटा 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 करके कुछ नहीं होगा, हमारी बेटियों पे भी ध्यान रखें। और बेटी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, बस आप उसे एक मौका दें और वो चाहे तो आसमान को छू सकती है और आप सबका बहुत ही ज्यादा आपका नाम रोशन कर सकती है। क्या नाम हुआ? प्रियंका राय। बताएंगे मुखिया जी, आज जो यहाँ बालिका द्वारा क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ, क्या कुछ रहा मामला? यहाँ पर पूर्व में भी क्रिकेट का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष लड़कियों का एक दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था जो बहुत अच्छा रहा। बच्चों ने अच्छा क्रिकेट का खेल दिखलाया और जबकि प्रैक्टिस इन लोगों के द्वारा कंटिन्यू नहीं किया जाता था, फिर भी आज अच्छा क्रिकेट इन्होंने खेल दिखलाया है। और हम लोगों का यहाँ पर था, जो भी आयोजक थे या हम लोग जनप्रतिनिधि के द्वारा, लोगों के बीच ये मैसेज देना चाहते हैं कि लड़कियाँ भी लड़कों से कम नहीं है, किसी भी क्षेत्र में अगर उनको मौका दिया जाए तो हर एक क्षेत्र में वो आगे बढ़ के आपको पंचायत का नाम रोशन करके दिखलाएगी। कितने एज की जो बच्चियाँ थी, कितने एज की बच्चियाँ इसमें क्रिकेट में भाग लिया? 10 वर्ष से 15 वर्ष की बच्चियाँ थी जो क्रिकेट मैच में भाग ली है और अच्छा क्रिकेट इन्होंने खेला। तो आपकी तरफ से क्या कुछ इन लोगों को पुरस्कार वगैरह दिया गया है? यहाँ पर आयोजक के द्वारा और जनप्रतिनिधि के द्वारा ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में जो विनर टीम थे उनको भी दिया गया है, रनर टीम थे उनको भी दिया गया है और अन्य भी पुरस्कार थे। और मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से जो इन लोगों के द्वारा प्रैक्टिस किया जाएगा और क्रिकेट हो या बैडमिंटन हो, जो भी खेल के द्वारा ये लोग प्रैक्टिस करें, आगे बढ़े, जिला के अन्य जगह पर भी जाके इन लोगों का मैच खेलने का मौका मिलेगा और हम लोग जाएंगे इनको खेलवाएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजीव कुमार है, मुखिया ग्राम पंचायत राजीव। यूपी के सिद्धार्थनगर में योगी सरकार भले ही किसानों के धान खरीद का दावा कर रही है, वहीं सिद्धार्थनगर में धान खरीद में किसानों के हक पर डाका डाला गया। मामला जिले के डुमरियागंज तहसील के भनवापुर का है। इस ब्लॉक में धान खरीद के नाम पर भारी घोटाला किया गया। एसडीएम डुमरियागंज के आईडी और पासवर्ड हैक कर गलत तरीके से 5000 क्विंटल से अधिक धान की खरीदारी कर 70 लाख से अधिक का भुगतान भी करा लिया गया। इस मामले का मास्टरमाइंड रमेश गुप्ता अपने परिवार के लोगों के साथ डुमरियागंज तहसील के संविदा कर्मी अमित तिवारी और सहज जनसेवा केंद्र चलाने वाले विकास मिश्रा के साथ मिलकर ऐसे लोगों को किसान बनाकर धान की खरीदारी उनके नाम पर करवा ली, जिनके नाम खेत ही नहीं है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब किसानों से पूछताछ की गई, तहसील के ऑपरेटर के मिली भगत से हेराफेरी की गई है। इसमें 14 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। उत्तराखंड के उद्धम सिंह नगर जनपद नगर पालिका खटीमा में विगत 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर तालाबंदी कर नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। नाराज पालिका सफाई कर्मियों ने वेतन नहीं मिलने तक कार्य बहिष्कार करने की बात करके तालाबंदी कर दी और 4th महीना शुरू हो गया। वेतन नहीं मिलने के कारण उनके आगे भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के सूर्य उपासना और दान पुण्य का प्रतीक मकर संक्रांति का पर्व गुरुवार को शहर में धूमधाम से मनाया गया। सुबह जल्दी उठकर लोगों ने स्नान किया और सूर्य देव की उपासना की। गरीबों और पंडितों को तिल और खिचड़ी दान की। भगवान विष्णु की पूजा कर घर में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। घरों में तिल और गुड़ के लड्डू बनाए गए। बच्चों ने पतंग उड़ाई और खूब मौज मस्ती की। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना और दान पुण्य किया। साथ ही जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम और खिचड़ी का प्रसाद भी वितरित किया। आज की खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।